नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं जो हमारा बेड शाफ्ट की बुश है वो पूरी तरह से कट गई है। तो ये अगर आप कभी कटे इस तरह से तो आप इसको नया डाल दें। दोस्तों, अगर ऐसा रहेगा तो आपका ये ब्रैकेट बोल्ट जो है, ब्रैकेट बोल्ट आपकी तोड़ देगी। जो ये बोल्ट हो गया, ये बोल्ट तोड़ देगी। तो इसको हम नया डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमको कुछ इस तरह पहले खोल लेना है नीचे ऊपर का बोल्ट। एक खुल के निकल गया, इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद दूसरे बोल्ट को ये चकनट करके रखे हैं, क्योंकि जब हमारा बुश कट गया था तो हमने चकनट कर दिया था कि जो हमारा बोल्ट है वो ढीला ना हो। और फिर जो हमारा ये बोल्ट है बहुत बड़ा भी है, 6 इंच का बोल्ट है, जो कि इसमें 5 इंच का बोल्ट लगेगा, 19 नंबर का। चकनट तोड़ने के लिए आपको जो ये बोल्ट है इसे लगा लें, हाथ से ना पकड़ें क्योंकि चोट भी लग सकता है। और आप कुछ इस तरह से इसको चकनट तोड़ दें। ये चकनट टूट गया और बोल्ट एक खुल गया है और दूसरा भी आप इस कुछ इस तरह खोल लेंगे। हमको आसानी से निकालने के लिए जगराट का मदद लेना पड़ेगा, तो हमने कुछ इस तरह जगराट लगा दिया है। अब यहाँ से हम नीचे ऊपर कर सकते हैं निकाल। ये मेरा आसानी से निकल गया। अब हम ब्रैकेट को भी निकालते हैं। कुछ इस तरह निकालेंगे, बचा के चोट ना लगे। ये हमारा लगभग निकल गया है। ये देखो दोस्तों, कट के पूरी तरह जल गया था। उसके बाद हम नया लेते हैं। ये नया है, कौन सा कंपनी, संदीप का। देखते हैं इस चलता है कि नहीं चलता है। लगा दोस्तों, कितने लोग होते हैं ग्रीस डाल देते हैं, लेकिन ग्रीस नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा पानी लगा देना चाहिए। ग्रीस लगाने से कोई मतलब नहीं होता है, वो जल्दी ज़्यादा चलता नहीं है, कट जाता है, क्योंकि अंदर ग्रीसिंग करता है वो, जो कि हमको ग्रीसिंग नहीं करना है। बिचवा लगा दब गई, तो हमको कुछ इस तरह से ऐसे डाल लेना है। उसके बाद इसको सेंटर कर लेना है। ये सेंटर पे हो गया हमारा। अब इसको हम किसी हथौड़े या हथौड़े की सहायता से इसको अंदर कर लेंगे। तो ठोकनियाँ लगा दे। तो आप अगर इस तरह से ठोंकते हैं तो देखना है आपको कि जो हमारा बूस है वो कटे ना। पेशकस तो बिल्कुल ना ठोंके, क्योंकि पेशकस से कट जाती हैं बूसें। तो आपको पेशकस से नहीं ठोकना है। बस हो गया, सेंटर में ब्रैकेट लगाओ। दोस्तों,
दोस्तों इसको कभी भी डालें, ये जो हमारा ब्रैकेट है तो इसको ठोक कर ना डालें, क्योंकि ये कमज़ोर होता है, टूट जाता है, हथौड़े से अगर आप मारेंगे तो टूट जाएगा। तो आप इतना ख्याल करें कि इसको हथौड़े से ना मारें। ये जगराट की आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम सेंटर में इसी तरह करेंगे, जो हमारा ये हल्का जगराट से बढ़िया से दबेगा, आप पेशकश ना लगाएं, पेशकश से चोट भी लग सकता है। उठाओ तो नीचे नीचे ढेर होगा, बहुत नीचे नीचे। हाँ और रुको रुको, ये धुआं लेते हुए आ गया। बस तो ये हमारा 6 इंची का है, बड़ा है, तो हम इसमें कुछ फ्री डाल देते हैं ताकि जो हमारा बोल्ट है आसानी से पकड़ ले। तो उसमें हम फ्री डाल दिए हैं दोस्तों। इसको कभी भी टाइट करें तो पहले दिन पूरा ना टाइट करें, आप हाथ ही टाइट करने दें, 1 घंटे के बाद आप उसको फुल टाइट कर सकते हैं, 1 घंटे चलने के बाद आप उसको फुल टाइट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी डालें तो फुल टाइट ना करें, क्योंकि कट जाएगा बहुत जल्दी। तो आज जब 1 घंटा चल जाएगा तो आप उसको फुल टाइट मार सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।